नमस्कार बच्चों, आज हम श्रुति के बारे में जानेंगे। श्रुति वह सूक्ष्म आवाज जिसे हम स्पष्ट रूप से सुनकर समझ सकें और अलग से पहचान सकें, उसे श्रुति कहते हैं। अभिनव राग मंजरी में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह आवाज़ जो गीत में प्रयोग की जा सके और एक दूसरे से अलग पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। अर्थात श्रुति वह ध्वनि है जो संगीत के लिए उपयोगी हो, कानों को साफ सुनाई पड़े, एक दूसरे से अलग पहचानी जा सके और सुनने में मधुर हो। श्रुतियाँ 22 हैं। पहली तीव्रा, दूसरी कुमुदवती, तीसरी मंदा, चौथी छंदोवती, पांचवी दयावती, छठवीं रजनी, सातवीं रुतिका, आठवीं रौद्री, नौवीं क्रोधी, दसवीं वर्जिका, ग्यारहवीं प्रसारिणी, बारहवीं प्रीति, तेरहवीं गर्जनी, चौदह शिति, पंद्रहवीं रंता, सोलहवीं संदीपनी, सत्रहवीं अलापिनी, अठारहवीं मंदिति, उन्नीसवीं रोहिणी, बीसवीं रम्या, इक्कीसवीं उग्रा और बाईसवीं शोभणी। इन 22 श्रुतियों का गायन और वादन में प्रयोग कठिन है, अतः इन 22 श्रुतियों में से 7 को चुना गया है और इन्हें स्वर का नाम दिया गया है। भारतीय संगीत इन 7 स्वरों पर ही आधारित है। ये 7 स्वर हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको श्रुति का टॉपिक समझ आ गया होगा। धन्यवाद।